खबर है बेगूसराय से, जहां ऑटो कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा बेगूसराय के बीहट रतन चौक पर हुआ। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। तो तेज रफ्तार के चलते ये सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हैं। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। बेगूसराय के बीहट रतन चौक पर यह हादसा हुआ। 6 लोगों की जान चली गई। बेगूसराय में एक ऑटो और कार की टक्कर हुई। 6 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे और 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बेगूसराय बीहट चौक पर ये सड़क हादसा हुआ। एक ऑटो और कार की टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कौन है लोग, कहां से आ रहे थे, ये नहीं पता चल पाया है। फिलहाल जो चश्मदीद है, उनका ये कहना है कि रफ्तार काफ़ी तेज थी गाड़ी की और ऑटो की, जिसके बाद दोनों की आमने सामने की टक्कर हुई और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। 3 बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो अब तक मृतकों की भी पहचान नहीं हो पाई है। बेगूसराय में ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी और ऑटो की कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, कि कितनी ज़ोरदार ये टक्कर रही होगी। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 लोग जो बुरी तरीके से घायल हुए। प्रभाकर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल घायलों की क्या कंडीशन है और उन लोगों के बारे में कुछ पता चल पाया है जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई। ये अभी जो घायल हैं, उन्हें वहाँ के जो सदर अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया है, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। उसमें से भी 2 लोग हैं, उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बताई जा रही है, काफी नाजुक बताई जा रही है। ये मामला आज सुबह 6 बजे हुआ है। बेगूसराय में 0 माइल बोलते हैं, बाईपास इलाका है। वहाँ पे बहुत तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और साथ ही ये ऑटो में लोग सवार थे। उसमें सामने सामने टक्कर हुई है, जिसमें ये घटना हुई है। 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, उन्होंने दम तोड़ दिया और बाकी जो 3 लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और वरीय पदाधिकारी वहां मौजूद है और वो उनके आइडेंटिटी कार्ड निकाल के उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सारे लोग होंगे, क्योंकि वो ऑटो से जा रहे थे तो आसपास के इलाके कहीं होंगे, तो पुलिस लगी हुई है उनके परिजनों को सूचित करने में। जी, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेगूसराय में सड़क हादसा हुआ और एक बार फिर से तेज रफ्तार सड़क हादसे की वजह बनी। 6 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। 6 लोगों की जान चली गई और 3 बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें हमारे संवाददाता प्रभाकर हमें बता रहे थे कि 2 की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में 3 लोग घायल हैं, 6 लोगों की जान चली गई। सभी घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।